छिंदवाड़ा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने बाबा साहब की जीवनी से जुड़ी हुई शॉर्ट फिल्म लोगों को दिखाई। कार्यक्रम में शामिल भाजपा नेताओं ने बाबा साहब के संविधान के अनुसार चलने व राष्ट्र के प्रति जागरूक और शिक्षित रहने की बात भी कही। छिंदवाड़ा से पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर बाबा साहब के ऊपर बनी लघु फिल्म दिखाई, जिसमें बाबा साहब के जन्म से लेकर संविधान बनाने तक के संघर्षों की कहानी बताई गई है कि कैसे समाज में छुआछूत समाप्त करने वाले लोगों को न्याय दिलाने के लिए बाबा साहेब ने कितनी मुश्किलों का सामना किया। इन्हीं सब हालातों व अनुसूचित जाति एवं जनजाति को न्याय दिलाने के लिए ऐसे संविधान की रचना की जिससे सभी वर्गों को न्याय दिलाया जा सके। वहीं भाजपा युवा नेता सौरभ बावरिया ने युवाओं के लिए संविधान की रचना को प्रेरणा बताया और युवाओं को संकल्प दिलाया कि हम संविधान के अनुसार चलें एवं राष्ट्र के प्रति जागरूक, शिक्षित व एक रहें। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती का कार्यक्रम वार्ड नंबर 21 के निमित्त यहाँ पर आयोजित हुआ संस्कार भवन में। डॉक्टर साहब ने जो संविधान की रचना देश से आदिवाद उन्होंने किया, उसके माध्यम से खासतौर पर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को जो उन्होंने एक सामाजिक न्याय दिलाया, उसके लिए हम बाबा साहब के ऋणी। बाबा साहब ने जो संदेश दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में अपने देश की उन्नति तरक्की के लिए, अपने समाज की तरक्की के लिए बहुत उन्होंने संघर्ष किया है। उसी का परिणाम ये है कि आज हमारा भारतवर्ष के द्वारा बनाए गए प्रत्यक्षी व्यवस्था के अंतर्गत जो संविधान की रचना की है उसके माध्यम से देश की सरकार संचालित हो रही है। हम सबका कल्याण बाबा साहब की रचना के माध्यम से हुआ है। जयंती अवसर पर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती के अवसर पर आज प्रासे विधानसभा क्षेत्र के सभी युवाओं, जनप्रतिनिधि, समाज सेवियों द्वारा हम सभी ने तय किया था कि भीमराव अम्बेडकर जी की संघर्ष भरी जीवन जो था उसकी 21 मिनट की एक लघु फिल्म LED के माध्यम से आज हम सभी लोगों ने देखा। उसके बाद एक साथ मिलकर हम सभी लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की और साथ ही संकल्प किया कि जो विचार बाबा साहब हम सभी के बीच में छोड़ गए, आने वाले समय में पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ, ध्यान में रखते हुए समर्पित भाव के साथ हम सभी उन विचार को युवा पीढ़ी तक पहुँचाने का काम करें। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में।